हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज उमर फारूकी एंड आई एम फ्रॉम सोशल कोरिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम वेब एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली सेटअप करेंगे। मींस जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स, लाइब्रेरीज या एक्सटेंशन होगी, हम उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। एंड उसके बाद के वीडियोस में हम यूआई को डिजाइन करेंगे और एपीआई को कॉल करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेब एप्लीकेशन। ए वेब एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ वेब सर्वर। सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम लोग HTML, CSS, JavaScript एंड PHP लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। सो वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है। लाइक आप टेक्स्ट एडिटर के लिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, इवन नोटपैड प्लस भी यूज़ कर सकते हो। या आपके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर होगा, आप उसको वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अपाचे और MySQL सर्वर के लिए आप जैम सर्वर यूज़ कर सकते हो, वैम सर्वर भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि टेक्स्ट एडिटर के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइम एडिटर का यूज़ करें और अपाचे और MySQL सर्वर के लिए आप जैम सर्वर का यूज़ करें, क्योंकि इस वेब एप्लीकेशन प्लेलिस्ट के अंदर हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और जैम सर्वर का यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। सो फ्रेंड्स, वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, उसकी डिजाइन के लिए हम लोग मेटेरलाइज CSS फ्रेमवर्क का यूज करेंगे और jQuery लाइब्रेरी का भी यूज करेंगे। सो चलते हैं, अब मेटेरलाइज CSS को डाउनलोड करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। सो सिंपली आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मेटेरलाइज CSS, और जो सबसे पहली वाली वेबसाइट दिख रही है आपको उस पर विजिट करना होगा एंड देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा और मेटेरलाइज पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, इवन डाउनलोड भी हो चुका है। सो चलिए अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं। सो मेटेरलाइज CSS फ्रेमवर्क को आप कॉपी करिए और C डायरेक्टरी में जाइए जहाँ पे हमारा जैम सर्वर इंस्टॉल है। जैम फोल्डर के अंदर stdocs के अंदर यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। लाइक कुछ भी नाम दे दिए, मैं इसको देता हूँ वेब एंड देन मेटेरलाइज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल से मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ, स्ट्राइक हेयर, मेटेरलाइज फोल्डर के अंदर जाता हूँ और CSS और JS की फाइल को मैं कॉपी करके रूट फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये दोनों फोल्डर का मुझे कोई काम नहीं है और मेटेरलाइज फोल्डर के अंदर कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम फिर से चलते हैं वेबसाइट पे और इसका स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं। लाइक आप खुद से भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ और उसके बाद वेब फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ और कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, index.php सेव। और सिंपल सा डेमो के लिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग यूज़ करता हूँ चेक करने के लिए कि हमारा सही से इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल कोडिया और उसको सेव करता हूँ। सो इसको व्यू करने के लिए आपको अपना अपाचे सर्वर एंड MySQL सर्वर को ऑन करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी ही कर चुका हूँ। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ और सिंपल सा मैं चलता हूँ और जो भी आपका लोकल डोमेन होगा लाइक लोकल होस्ट विजिट करता हूँ और यहाँ पे आपको डायरेक्टरी देखने को मिल रही है जो हम लोग ने अभी क्रिएट किया था, उसका नाम है वेब। अब वेब पे विजिट करता हूँ तो यहाँ पे मेटेरलाइज CSS का स्टाइल मुझे देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइब सोशल कोडिया। तो अब चलते हैं सिंपल सा jQuery को डाउनलोड करते हैं। jQuery को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल से लिखिए डाउनलोड jQuery, jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, कंप्रेस, अनकंप्रेस। तो मैं अनकंप्रेस को डाउनलोड करता हूँ क्योंकि अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्शन फेज पे नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन मैं JS के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उस कोड को पेस्ट करता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ jQuery.js। और jQuery की फाइल को हमको अपने इंडेक्स पेज में भी अटैच करना होगा। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम चेंज करके मैं jQuery लिख देता हूँ और ये फाइल हमारी अटैच हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो से हम UI को डिज़ाइन करेंगे एंड API को कॉल करना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी तीनों प्लेलिस्ट RESTful API, वेब एप्लीकेशन एंड Android एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल सोशल कोरिया।